रेमी डेविस का मामला हो या फिर एबटाबाद ऑपरेशन, साबिक वज़ीरे ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी आए रोज़ हुकूमत के सामने कोई ना कोई सवाल उठा रहे हैं, मगर प्रेस इंस्टीट्यूट की तकरीब में एक बुजुर्ग ने खुद शाह महमूद कुरैशी से सवाल कर दिया कि वो अपने 3 साल वजारत के दौर में ड्रोन हमलों का जवाब दें। ड्रोन हमलों का भी जवाब दें। शाह महमूद कुरैशी ये गैर मुतवक्के सवाल सुनकर एक बार तो अपनी तकरीर ही भूल गए। अपनी बात मुकम्मल करने की इजाजत दे दें। मैं अर्ज कर रहा था कि मैं चेन ऑफ थॉट टूट गई, मैं क्या कह रहा था। साबिक वज़ीरे ख़ारजा भी संभले भी ना थे कि बुजुर्ग ने फिर सवाल कर दिया। ड्रोन हमलों का भी जवाब दें। तकरीर खत्म करने से नहीं, शाह महमूद कुरैशी को तो बुजुर्ग को बिठाना ही मुश्किल हो गया। इसके बाद दे देता हूँ। मगर इससे भी ज्यादा तकरीब में लोड शेडिंग ने साबिक वज़ीरे ख़ारजा को परेशान किए रखा। बिजली थी के गायब ही हो गई और शाह महमूद कुरैशी बार बार टिश्यू पेपर इस्तेमाल करते रहे। साल हा साल की गफलतों का नतीजा है कि आज हमारे यहाँ ये घंटों की लोड शेडिंग है, गैस का बुरान है। शाह महमूद कुरैशी बिजली की आंख मचोली से तकरीबन 1.5 घंटे से जायद पसीने में शराबूर रहे। तवील लोड शेडिंग के बायस पेंट कोट में मलबूस शाह महमूद कुरैशी पर इस तकरीब की सपहर काफी भारी गुजरी। चले इसी बहाने इन्हें अवाम की मुश्किलात का किसी हद तक अंदाजा तो हो गया होगा। कैमरामैन असगर अली के साथ लियाकत अंसारी, दुनिया न्यूज़, लाहौर।